अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको काज बनाना और बटन लगाना सिखाती हूँ। वैसे तो अहमियत नहीं दी जाती कि काज बाज़ार से बनवा लेंगे, बटन भी लग जाएंगे। बाज़ार छोटे बच्चों के कपड़े सिए जाएं तो फिर उनको बाज़ार भेजने की इंतज़ार, बच्चों के तो जितने भी कपड़े हों कम होते हैं। मैं आपको काज बनाना सिखाती हूँ। ये काज पहले बनाया गया, अब बनाते हैं और आप देखें। ये के लिए काज बनाएंगे इसका। अब ये बटन है और ये काज के लिए पट्टी। पहले सिंपल ये बनाया गया है, फिर उसे काज बनाएंगे। कट लगाते हैं, कट आधे इंच से कम होता है, डबल करके कपड़े को काटें। अगर छोटा रह जाए तो फिर कैंची की नोक से आप बड़ा कर सकते हैं। ये कट लग गया है, धागा डबल लगाएं। धागा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि आपको देखने में, नजर आने में आसानी रहे। अब इसको इधर से गुजारें, इस धागे को सुई के आगे से ले आएं, फिर इधर ऐसे फिर करते जाएं। ये जो यहाँ पे जो लाइन हो ऐसे वो बराबर होनी चाहिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अब ऐसे सुई का धागा इसके आगे ऐसे ऐसे इसको खींचें, फिर दोबारा इधर से ही गुजारें। ऐसे अब ये आखिर तक पहुंच गया है। अब आखिर तक जब पहुँचे तो फिर इधर ही ख़त्म न करें, फिर इस धागे को यहाँ पे गुजार के ऐसे पक्का किया जाता है ताकि काज का मुँह खोल न जाए। दो बार इधर से गुजारें ऐसे करके, फिर इधर ऐसे पक्का कर दें ताकि धाग का खुल न जाए और काज खराब ना हो। अब इधर लगाते हैं बटन। गिरा लगाया, अब इधर इसी के ही सामने बटन डबल ही होना चाहिए। काज भी डबल से बनाया जाता है और बटन भी डबल से ही लगाया जाता है।
तरपाई के लिए सिंगल धागा रखें। जिस बटन के चार सुराख हैं उसे तिरछा लगाएं। ये एक इधर का सुराख और एक उधर का सुराख ऐसे लगा के फिर दोबारा इधर से दो बार गुजारें, दो बार उधर से और दो बार उधर से। अब इधर से दोबारा नीचे से धागा सुई निकालें, इधर से ऐसे इसको घुमाएं, इस धागे को बटन के इर्द गिर्द ऐसे तीन चार बार घुमाएं ताकि वो उभरा रहे। जब काज में बटन बंद करें तो सेट हो जाए। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो वो काज पे ऊपर चिपका रहेगा। इधर से भी पक्का करें ऐसे एक बार और दूसरी बार और इधर से ऐसे करें। अगर दो सुराख हो तो तीन चार बार धागे को गुजारें, अगर चार सुराख हो तो तीन बार गुजारें। तो बटन खोलते और बंद करते वक्त जल्दी टूट उखड़ जाते हैं, फिर जल्दी लगाना भी मुश्किल हो जाता है। ये काज है और ये बटन है। अब इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।